पूरा पठार वहाँ सती और शंकर दोनों बैठे रहे। राम काफ़ी अच्छा था है भाई जी। सो गाइस अभी मैं भोला पठार से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ सिया देवी। सिया देवी यहाँ से कुछ अराउंड 14 किलोमीटर्स है, तो बस वही अभी हम लोग निकलने वाले हैं सिया देवी के लिए, तो चलते हैं। I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. तो गाइस हम लोग सिया देवी टेम्पल पहुंच चुके हैं और टेम्पल के साथ साथ यहाँ पे वाटरफॉल भी है। अभी मैं फिलहाल हूँ पार्किंग पे, यहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है और यहाँ पे बाइक पार्किंग का मुझे 10 रुपये लगा। आप पीछे देख सकते हो फैमिली वाले खाना वाना भी बना रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो खाना वाना भी बना सकते हो। अभी हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या सीन है क्या नहीं है। भैया कार पार्किंग का कितना है? क्या कार पार्किंग का कितना है? 20 रुपीज़। और बस बस का? बस का 50। अच्छा, ऐसे कुछ दिखती है एंट्रेंस। और मंदिर जो अपना वो थोड़ा आगे में है, बेसिकली यहाँ पे दुकान वगैरह रास्ते में सारी, बहुत सारी दुकान है। तो अगर आप कुछ ख़रीदना चाहो खाने के लिए या फिर किसी चीज़ के लिए भी, तो आप बाय कर सकते हो। देखो यहाँ पे भी खाना वाना बन रहा है, तो काफ़ी लोग यहाँ पर खाना वाना बना रहे, तो यहाँ पर आप भी आगे खाना बना सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है यहाँ पर। तो अभी पानी का मौसम नहीं, अगर पानी का मौसम रहता जो ये ब्रिज दिख रहा है ना, ये पूरा पैक हो जाता है, पानी आ जाता है। और यहाँ पे जो पेड़ पौधे उगे वहाँ पे भी पानी रहता है पूरा, जितना दिख रहा है ना उतना नहीं दिखता आप देखो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे आते हैं, अरे शंकर भगवान का शिवलिंग है छोटा सा, और ये भाई काफ़ी प्यारी सी मूर्ति है शंकर भगवान पार्वती माता और गणेश जी की और ये नंदी जी की। तो हम लोग इधर जा रहे हैं अभी। ये देखो यहाँ से पानी पूरा ज़्यादा था, अभी बिल्कुल भी पानी नहीं क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, तो वहाँ तक पूरा पानी बहता था। तो ये है सिया देवी टेम्पल जिसकी हम लोगों ने बात की थी, और काफ़ी कुछ डेवलप हो गया यहाँ पे। बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ मैं, आई मतलब पहली बार आ रहा हूँ, क्या बोलूँ। तो चलो अंदर आते हैं, दर्शन करके आते हैं माता के।
जय माता। तो ये माता का प्यारा सा टेम्पल है और अब हम करेंगे परीक्षा कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिखता है भाई पीछे से, और यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ सब झरना भी देख सकते हो, यहीं पे झरना। तो अभी इसके बाद हम लोग झरना भी देखने जाएंगे, पर पहले हम लोग इसको अच्छे से वो करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। जगह के बारे में कुछ बताइए। हाँ कुछ जी जानता तो बता जी। कुछ नहीं जानता। वाह वो सियाने मन जान ही नहीं थी। वाह ते तो रही था जी। हाँ तीन जान मत कौन जानी होगा है बताना। बताते हैं पुराना जमाना के है ना। अब ये जैसे अभी रामायण में दे है ना, वही सीरिया चलत है, सीता हरण हो है और राम लक्ष्मण खोजत जबकि सीता की, तो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर है भोला पठार, वहाँ सती और शंकर दोनों बैठे रहे, राम शंकर के प्रणाम करी, शंकर है राम के। ओतिक में बोला यह होगी सती रह। अरे ते तो तीनों लोग के स्वामी है प्रभु, ये साधारण राजकुमार के प्रणाम करते नहीं, माता ही पुरुषोत्तम राम है, सीता की खोज में जल्दी जनल भटकाते हैं, ऐसे तो नहीं मानू। तो पहले परीक्षा लूँगा राम की, अब यहाँ आके सीता के रूप लेके बैठू, अब फिर राम लक्ष्मण प्रणाम करी शंकर के, अब आगे बढ़ी। अब आके देखते यहाँ तो माता जी, तो राम तो पहचान ली, माता जी प्रणाम, बीच जंगल में अकेली कहाँ बैठी, बाबा भोला जी कहाँ है, ऐसे जब किस राम है ना तो शर्मिंदा होकर सचमुच में राम है मैं धोखा कर दूँ। अब वो राम लक्ष्मण आगे बढ़ गए चित्रकूट है, और फिर जिस माता सती है शंकर के पास, तो शंकर का थे परीक्षा हो गया, मैं धोखा खा के सचमुच में राम और लक्ष्मण में। तो शंकर जी बोलते कि राम ला पिता माता और सीता ला माता, तो माता तुझा बन के वहाँ से वो निराड थी, जाओ वही तो यहाँ आके वो हम आगे तो सिया देवी के नाम से ये जगह है प्रसिद्ध। अच्छा ठीक है। ये भी मंदिर है एक, तो वहाँ पे एक नहीं बहुत सारे मंदिर है, सारे माता के मंदिर है। बजरंगबली सुबह अभी मैंने शूज रिमूव किए थे वहाँ पे अपने, तो मैंने अभी जूते पहन लिए, और जैसे कि आपने स्टोरी सुनी होगी पंडित जी से, तो आपको पता चल गया होगा कि स्टोरी क्या है भोला पठार की और सिया देवी की स्टोरी कैसे मिक्स होती है, मतलब मैच होती है। अभी हम लोग आ गए झरने की तरफ, यहाँ पे है झरना देख सकते हो। अभी झरने में उतना ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर पानी के मौसम में आओगे तो पूरा भरा हुआ दिखेगा आपको। तो यहाँ पे क्यों दिया हुआ है देख के आके देखता हूँ मैं रास्ता। अच्छा तो गाइस ये जो है ना यहाँ पे दो वेज है, एक नीचे आ सकते हो आप, एक ऊपर आ सकते हो। तो जब अब ऊपर आऊँगे तो यहाँ पे ना गुफा है,
ये गुफा है, ठीक है। तो अगर यहाँ से अगर आप अंदर जाओगे तो नीचे से निकलोगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, चलते हैं, ठीक है, गुफा चलते हैं भाई अंदर। तो गाइस मैंने अपना बैग बाहर रख दिया क्योंकि डिफ़िकल्ट हो रहा था बैग के काम लेने। बाकी गुफा काफ़ी ना नैरो है तो यहाँ पे जाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बट फिर भी हम जाएंगे। लाइट नहीं है फिर भी हम जाएंगे। ओ भाई अबे गलत जगह आ गया क्या? मैं चमकादर चमकादर दिख रहे ऊपर में तुमको। फिनिश बंद तो नहीं हो गई गुफा? देख सकते हो चमकादर उड़ रहे हवा में। पर यहां से हम लोग निकल गए गुफा के अंदर, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट ठीक है। सब लोग नहीं आ सकते यहाँ पे, बट अगर आप पतले हो तो जरूर आना। ओ भाई भाई देख रहे हो कितनी रह रहे हो, मैं भी वहीं से निकला हूँ, ठीक है। यहाँ पे जाने कहाँ है? बाल्मीकि, यहाँ लिखा हुआ है बाल्मीकि आश्रम गुफा। ये काफ़ी धुंधला हो गया करके अच्छे से निकले, इसमें टाइम लग गया मेरे को। और भाई ये है हमारा झरना जो कि बहुत ही कम है अभी क्योंकि गर्मी का मौसम है, पानी सूखा पड़ा है। अगर आप आओगे पानी के मौसम में तो यहाँ तो बंद कर देते पानी के मौसम में पूरा, क्योंकि पानी के मौसम में क्या सीन होता है कि बहुत ही ज़्यादा पानी होता है यहाँ पे। और अगर ठंडी के मौसम में आओगे तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि ठंडी का मौसम बेस्ट है, फ्लो रहता है पानी का पर कम रहता है और लोगों को आने जाने भी अलाउड रहता है यहाँ पे, समझ रहे हो। तो वही सीन है। तो मैंने अपना बैग ऊपर ही छोड़ दिया था तो मैं वापस ले जाता अपने बैग को ऊपर, उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। तो यहाँ से मैं गया था अंदर, मैंने बैग अपना ही छोड़ दिया था क्योंकि गुफा का काफ़ी नैरो थी, मैं बैग लेके जा रहा था तो अंदर जा नहीं पा रहा था मैं, इसलिए मैंने बैग को यहीं छोड़ दिया था। बट आई गॉट माय बैग बैक और लोग नीचे जा रहे हैं। दो रास्ते भाई नीचे जाने के, एक तो अपना यहाँ से जा सकते हैं और एक अपना आगे से जहाँ से मैंने निकला, यहाँ से मैं गुफा के अंदर से निकला, फिर रास्ता एक। तो पहले हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं। बाकी देख रहे हो भाई ये जो पेड़ है कितना मतलब बड़ा है, और डिपेंड भी किसमें पत्थर के रूट उसके ऊपर पत्थर के अंदर चले गए हैं, देख रहे हो बहुत पुराना पेड़ है भाई ये। ओ भाई यहाँ पे फोटोज भी काफ़ी अच्छे हैं। ये अगर कई लोग आजकल बहुत ज़्यादा मतलब प्री वेडिंग का वो हो चुका है कि हाँ सब कोई प्री वेडिंग करा रहा है, तो यहाँ पर प्री वेडिंग कराने के लिए काफ़ी मस्त है भाई, काफ़ी अच्छी सी फ़ोटो आएगी यहाँ पे प्री वेडिंग कराओगे तो। सीन ही देख लो भाई, काफ़ी मस्त जगह है, काफ़ी मस्त जगह है, मज़ा आ जाएगा। तो अभी हम लोग उस साइड आके देखेंगे, यहाँ से वापस चढ़ के उधर से ऐसे जाऊँगा मैं। बस ठंडी के मौसम में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, पोल लगा हुआ है यहाँ पे, ओपन नहीं है प्लेस यहाँ जाने के लिए क्योंकि
ठंडी के मौसम में या पानी के मौसम में यहाँ पे पानी रहता है, तो यहाँ पे इसलिए इन लोगों ने पोल लगा के रखा हुआ है। ये तो ये ओपन रहता, वहाँ पे ओपन दिया है क्योंकि वहाँ पे उतना पानी नहीं जाता। देखो भाई यहाँ से तो और ही ओपी दिख रहा है, पेड़ वेड़ है यहाँ पे, सब लोग घूमने घूमने भी आए बैचलर्स वगैरह लोग, और यहाँ पे भी जा सकते हैं। अब इतना पानी नहीं इसलिए पत्थर पत्थर है, ये तो पानी के मौसम में तो भाई इतना पानी, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा पानी रहता है यहाँ पे। कॉर्नर में खड़े भाई एकदम पत्थर के ऊपर, तो सोचो भाई वहाँ से कितनी अच्छी फोटो आएगी अगर कोई क्लिक करेगा तो, काफ़ी अच्छा सा है भाई ये। और वो अपना टेंपल है, वहीं से आवाज़ आती थी अपने को। सीन ये है कि भाई अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, अगर आपको घूमना है और साथ में मंदिर भी जाना है, तो ये काफ़ी अच्छी सी प्लेस है, जहाँ पे जो घर में ओल्ड लोग रहते हैं उनको मंदिर जाना काफ़ी पसंद है, तो वो मंदिर में बैठ सकते हैं और जो बच्चे हैं यहाँ पे आ सकते हैं, तो दोनों का फुल फील हो जा रहा है उससे। तो जगह तो काफ़ी अच्छी है, तो विज़िट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है जगह की, बिल्कुल ओपन कीजिए, यहाँ विज़िट कीजिए और मुझे बताइए आपको ये प्लेस कैसी लगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।